मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे क्लास 8, मैं सेल्फ रितेश सिंह। आज हम आपको चैप्टर फर्स्ट फोर्स एंड प्रेशर पढ़ाएंगे और इसके बारे में इन दिस लेक्चर में जो भी टॉपिक रहेगा, जो भी रहेंगे नोटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे, सारे हम आपको बताएंगे। इस लेक्चर में आपको क्या क्या पढ़ना है, फोर्स के बारे में पढ़ना है, फिर पहला रहेगा अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फोर्स, क्लासीफाई फोर्स, अंडरस्टैंड हाउ फोर्स इज रिलेटेड टू प्रेशर, कैलकुलेट प्रेशर एग्जर्टेड बाई एन ऑब्जेक्ट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्लूइड प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मेजर प्रेशर एंड लर्न द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर इन डेली लाइफ। इस सारे टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फोर्स क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। फोर्स आर ऑल अराउंड अस, फोर्स हमारे चारों तरफ होता है, ठीक है। एवरीथिंग वी डू नीड ए फोर्स, कुछ भी करने के लिए हमें क्या एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे हम रन दौड़ें या कुछ का वर्क करें या घड़ी क्लाइम घड़ी रोटेट कर रही हो या हम पेपर का कुछ वर्क करें, कुछ भी एनीथिंग हम करते हैं तो कुछ ना कुछ फोर्स लगता है, कुछ एनर्जी लगती है, कुछ वर्क होता है, ठीक है। तो आते हैं फोर्स के बारे में हम पढ़ते हैं, फोर्स होता क्या है यहाँ पे करना, फोर्स एंड इट्स इफेक्ट। फोर्स क्या होता है, ए फोर्स इज पुश और पुल। फोर्स क्या होता है, पुश करना मतलब धक्का देना है, पुल या खींचना। अगर हम किसी चीज़ को फोर्स मतलब पुश करें या पुल करें किसी भी ऑब्जेक्ट को तो हम उसे क्या कहते हैं, फोर्स। जैसे एक्शन है जो लिफ्टिंग, लिफ्ट करना, बेंडिंग, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग या स्क्वीजिंग, सारे क्या आते हैं, पुश या पुल में आते हैं, ये सारे क्या होते हैं, फोर्स। फोर्स इज एग्जर्टेड व्हेन वन थिंग इंटरेक्ट विद अनदर। फोर्स तभी एग्जिस्ट करता है या फोर्स होता है जब हम दो थिंग्स के बीच में रिलेशन निकालें, मतलब वन थिंग इंटरेक्ट होते हैं अदर से तब फोर्स आता है। वे जैसे कि हम डोर ओपन कर रहे हैं तो हमारा हाथ क्या हो रहा है, उसके इंटरेक्ट में आ रहा है, ओपन कर रहा है तो फोर्स लग रहा है, हम अपनी तरफ खींच रहे हैं या धक्का दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे फोर्स के लिए मतलब सिंपल सी बात है, फोर्स तभी होगा जब कोई एनीथिंग ऑब्जेक्ट को हम पुश कर दें या पुल कर दें। और एंड द साइनयूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। जो फोर्स की साइनयूनिट होती है मतलब साइंटिफिक यूनिट होती है या कह सकते हैं इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट जो होती है वो क्या होती है, न्यूटन। ये नाम कहाँ से आया था, सर आइज़ैक न्यूटन थे जिन्होंने फोर्स के बारे में बताया था या क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में बताया, तभी से इन्होंने फोर्स की यूनिट के बारे में बता दिया। वन न्यूटन इज द फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू मेक ए मास ऑफ 1 kg एक्सेलरेट एट ए रेट ऑफ 1 m/s। मतलब 1 न्यूटन फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जब हम किसी 1 kg मास को 1 m/s की स्पीड से उसको एक्सेलरेट कर दें, मतलब उसकी स्पीड को 1 cm/s से बढ़ा दें, तो उस टाइम जो फोर्स होगा वो क्या होगा, 1 न्यूटन। अब फोर्स इक्वल टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करें तो एम ए क्या होता है, एम ए मतलब मास 1 kg और 1 m/s के एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ फोर्स, हम फोर्स को देख नहीं सकते कि क्या फोर्स हमने के डाई से कि क्या है, हम देख सकते हैं क्या फोर्स है नहीं, हम उसको फील कर सकते हैं, देख मतलब बस समझ सकते हैं कि हाँ फोर्स लग रहा है, कोई चीज़ मूव चेंज हो रही है मतलब फोर्स लग रहा है। जैसे कि वी कैन सी व्हाट ए फोर्स डज, नहीं हम बस समझ सकते हैं। जैसे पहला, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे हम आटा गूंथ रहे हैं तो क्या हो रहा है, कुछ फोर्स लग रहा है, तो देखते हैं कभी गोला हो जा रहा है, कभी मटोल हो जाता है, कभी पतला हो रहा है, कभी चेंज होता है, उसका हमेशा शेप चेंज होता है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, एक फोर्स लग रहा है। फोर्स क्या, हम पुश कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तो क्या होता है, एक फोर्स है, उसके साइकिल में चेंज हो जाता है, ये किसके कारण हो रहा है, फोर्स के कारण। लेकिन हमें दिख रहा है क्या कि फोर्स कैसा है, नहीं दिखता नहीं। जैसे फोर्स कैन स्लो डाउन ए स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर कोई फोर्स कारण क्या, कोई ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से मूव कर, जैसे गेंद काफ़ी तेजी से मूव कर रही है, अगर हम बैट के पास या हाथ से कैच करें तो क्या होगा, इसकी स्पीड रुक जाती है, मतलब वो रोक देता है फोर्स, हम फोर्स, फिर मेरा हैंड क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो हमें दिख नहीं रहा लेकिन फोर्स लग रहा है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, जैसे बैट से गेंद को मैंने बैट से घुमा दिया, बल्ला घुमा दिया, तो क्या होगा, एक डायरेक्शन मैंने मारा तो वहाँ पे क्या हुआ, उसकी जो गेंद की डायरेक्शन रही वो चेंज हो गई। अब चेंज किस कारण हुई, हमारे बैट के फोर्स के कारण, मैंने जितने बैट पे फोर्स के साथ मारा उसके कारण हुआ। तो फोर्स कैन मेक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव आर मूविंग मेक मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर। फोर्स कैन क्या कर सकता है, फोर्स एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है, जैसे फुटबॉल स्टेशनरी, उसको मैंने पैर से मारा तो एक फोर्स लगाया, तो क्या करेगा, मूव करेगा, हवा में जाएगा, जमीन पर तैर कहीं तक जाएगा, या वो थोड़ी स्लो स्पीड चल रहा था उसको तेज़ी से मारेंगे तो और फास्ट हो जाएगा, तो उसका रीज़न क्या है, हमने एक फोर्स लगाया, ठीक है। फोर्स लगाने का मतलब कि उसकी मेनली मतलब फोर्स को हम देखेंगे,
अगर मूवी का अपडेट की बात करेंगे तो उसकी स्पीड में एक्सलरेशन होगा, थोड़ा बढ़ जाएगा, जो पहले की स्पीड से रहेगी या ज़्यादा हो जाएगी या रेस्ट में रहेगा तो मूव करने लगेगा, तो हम समझ जाएंगे फोर्स। और शेप ऑफ में चेंज होने लगे तो मतलब तो भी लग रहा है फोर्स। फिर नेक्स्ट आता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मीन द इक्विवेलेंट आर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू की बात की, मतलब कितना हम फोर्स लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे उसके वर्क करने के लिए, कितना स्ट्रेंथ लगा रहे हैं, वही हमारा क्या होता है मैग्नीट्यूड। इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, मतलब पावर की बात है, स्ट्रेंथ की बात है, कितना हम स्ट्रेंथ लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए या उसको रोकने के लिए, ये क्या होता है मैग्नीट्यूड। इट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन एक्शन, ये डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो आते हैं मैग्नीट्यूड के बारे में, मैग्नीट्यूड के बारे में, इट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन एन एक्शन, मतलब एक डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ फोर्स लग रहे हैं और किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे ये देख रहे हैं दो पर्सन है, दोनों पर्सन एक फोर्स अपनी तरफ खींच रहा है और एक पुल कर रहा है, तो दोनों इधर इनका डायरेक्शन क्या है फोर्स का, इधर की तरफ, तो ऑब्जेक्ट किधर की तरफ मूव करेगा, इधर की तरफ। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा इन दोनों के फोर्स के सम के बराबर। देखो लिखा है बोथ द मैन एंड लेडी आर एग्जेक्टिंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ फोर्स इन द सेम डायरेक्शन, सो द नेट फोर्स वुड बी द सम ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाई बोथ ऑफ देम, मतलब कि वो सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो मतलब उनका सम हो जाएगा। तो इट मीन व्हेन टू और मोर फोर्सेज एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, जब दो या दो से अधिक फोर्सेज एक डायरेक्शन में लगते हैं तो जो मैग्नीट्यूड होता है वो फोर्स का, वो सम ऑफ द फोर्सेज होता है। वेयर अगर दो ऑब्जेक्ट या दो से अधिक फोर्स डिफरेंट डायरेक्शन में लगते हैं तो जो उनका मैग्नीट्यूड होता है वो उनके डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाता है। इफ मैन व्हेन टू आर मोर फोर्स एक्ट इन डिफरेंट डायरेक्शन देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट विल बी द डिफरेंस ऑफ द फोर्स, तो उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिफरेंस ऑफ फोर्स। जैसे दो डॉग हैं, ये दो एक दो हड्डियाँ हैं, एक हड्डी है, एक इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये अपनी तरफ 10-12 न्यूटन के साथ खींच रहा है, ये 10 न्यूटन के साथ खींच रहा है। तो खींचने का मतलब नेट फोर्स क्या होगा, 12-10 तो 10 दो न्यूटन, तो किधर की तरफ मूव करेगा, इसका फोर्स ज़्यादा है तो इधर की तरफ ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा, तो ये होता है हमारा नेट फोर्स, ठीक है। ठीक है, हाउ कैन वी मेजर अ फोर्स, कैसे हम फोर्स को मेजर कर सकते हैं, तो फोर्स को मेजर करने के लिए हम स्प्रिंग बैलेंस का यूज करते हैं, जिसका नाम होता है स्प्रिंग बैलेंस आर फोर्स मीटर, जिसे कहते हैं फोर्स मीटर कहते हैं। दे आर टू टाइप ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, दो तरह के स्प्रिंग बैलेंस होती हैं, पहला होता है एक्सटेंशन स्प्रिंग बैलेंस, दूसरा होता है कंप्रेशन स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। पहला क्या है एक्सटेंशन स्प्रिंग बैलेंस, दूसरा क्या है कंप्रेशन स्प्रिंग बैलेंस। एक्सटेंशन स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, इन दिस इंस्ट्रूमेंट द स्प्रिंग स्ट्रेच व्हेन ए फोर्स पुल ऑन इट, जब इसमें हम एक ऑब्जेक्ट जोड़ देंगे तो क्या करेगा, इसको पुल करेगा, तो स्प्रिंग जो इसमें स्प्रिंग रहेगी वो क्या करेगी, स्ट्रेच करेगी। द ग्रेटर द फोर्स द मोर द स्प्रिंग, जितना अधिक फोर्स लगेगा उतना ज़्यादा वो स्प्रिंग क्या होगी, स्ट्रेच होगी। वहीं कंप्रेशन स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, इन दिस इंस्ट्रूमेंट द स्प्रिंग इज कंप्रेस व्हेन ए फोर्स एक्ट ऑन इट, अब इस पर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो क्या होगा, इसको कंप्रेस करेगा, जो इसके अंदर की स्प्रिंग उसको प्रेस करेगा, तो ये क्या होता है कंप्रेशन स्प्रिंग, जितना हम फोर्स लगाते जाएंगे उतना उसकी स्प्रिंग क्या होगी, कंप्रेस होती जाएगी। तो फोर्स किस तरह मेजर करते हैं, दो तरह से, एक एक्सटेंशन स्प्रिंग बैलेंस है, एक कंप्रेशन स्प्रिंग बैलेंस, लेकिन दोनों क्या होते हैं, एक स्प्रिंग बैलेंस ही होते हैं या फोर्स मीटर ही होते हैं, जो क्या होते हैं एक फोर्स मीटर, ठीक है। तो हम नेक्स्ट कल टॉपिक में आपको पढ़ाएंगे टाइप ऑफ फोर्स, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।